हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स का बहुत ही अच्छा ट्रिक देखेंगे। बहुत ही आसान तरीक़ा से हम लोग प्रूव दैट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग 6 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे हम लोग। आपको हमारे साथ जुड़े रहने में अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें। आइए हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1 + 10² θ / 1 + 40² θ = 10² θ। मैंने इसलिए अपना सॉल्यूशन पहले रेडी कर लिया है ताकि मैं आपके साथ ज़्यादा समय लेकर थोड़े और विस्तार से आपको ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये मैं बता सकूँ। मैंने ये सॉल्यूशन बना लिया है, तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें लिखा है, जब हम लोग LHS लेंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पहले सॉल्यूशन बनाएंगे। तो 1 + 10² θ + 1 + 40² θ ये हो गया, हम लोगों ने लिख लिया। अब जब भी हमारा 10 फॉर्म में रहेगा कोट फॉर्म में, तो हम लोग साइन कोस में इसे चेंज कर लेंगे। तो हम जानते हैं 1 + 10² θ का फॉर्मूला क्या होता है, sec² θ। ये हम फॉर्मूला भी आपको बता दिए हैं, और ये आप ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज कर रहे हैं, इससे आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। तो ये हम लोगों ने लिख लिया sec² θ। 1 + 40² θ का हम लोगों ने फार्मूला देखा हुआ है पिछले वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं कैसे कौन सा फार्मूला बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो हो गया उसका cosec² θ। उसके बाद हम लिखेंगे sec² θ को हम लोगों को चेंज करना है साइन या कोस में। तो sec किसका उल्टा होता है, कोस, मतलब 1 / cos² θ = sec² θ होता है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ लिख दिए। उसके बाद क्या होता है, 1 / sin² θ का फॉर्मूला क्या होता है, cosec² θ। तो cosec² θ ये ऊपर था हमारा, तो उसके बदले हम लोग लिखेंगे 1 / sin² θ। जब हम लोग इसको ये रेशनलाइजेशन मेथड में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 / cos² θ * ये हो जाएगा ऊपर, sin² θ 1 हो जाएगा नीचे। तो 1 से sin² θ को * करेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा sin² θ / इसको 1 से करेंगे तो cos² θ। ये हम लोगों ने लिख लिया है। तो हमारा sin² θ और cos² θ क्या होता है, sin θ / cos θ = 10θ। तो हमारा स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, तो सारे में स्क्वायर लगेगा, sin² θ / cos² θ = 10² θ। तो हमारा क्या हो गया, 10² θ। ये RHS में हमारा क्या था, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 10² θ था। तो हमारे ये RHS प्रूफ हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 1 / 1 - sin θ + 1 / 1 + sin θ। अब हम जब भी करेंगे इसको sec² θ के फॉर्म में लाना है। तो हम जैसे ही RHS देखेंगे तो हम अपने दिमाग में ऐसे ही बैठा लेंगे कि जब हम cos के फॉर्म में लाएंगे तभी sec आएगा, कोस का उल्टा सेक होता है। तो जब हम कोस के फॉर्म में आएंगे तभी ये सेक आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये नीचे का LCM ले लेंगे। तो नीचे दोनों को लिख लिए हैं हम लोग, LHS क्वेश्चन लिखे यहाँ, फिर दोनों को लिखें। तो हम लोग जानते हैं LCM कैसे निकालते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे। तो हम लोग लिख दिए हैं, जब हम 1 + sin θ को 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, +1 - sin θ इतना आया। तो हम लोग का ये प्लस में है साइन, ये माइनस में है, तो दोनों कट गया। तो बचा क्या, 1 + 1, तो हो गया 2। अब इसको हम लोग जानते हैं 1 - sin θ है, 1 + sin θ है, तो a - b और a + b के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। इसका भी हम लोगों ने फॉर्मूला पिछले वीडियो में देख चुका है, तो आप, मैं इसमें लिंक शेयर करूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब इसमें है 1 + 1 कितना हो गया था, 2/1² - sin² θ, ये इस फॉर्मूले से आया है।
अब हम लोग लिख लेंगे 2/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वही हो जाएगा। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जैसे हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ से आया। जैसे हम लोग यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 ये साइन को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर आके तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया, तो बचा क्या 2/cos²θ। अब 2/cos²θ जब हम लोग पास बचा तो हम लोग क्या देखेंगे, 2 sec²θ है इसका RHS है ना, तो हम लोग देखें तो 1/cos²θ यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 है और बगल में के इंटू कर देंगे जैसे तो 1, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो 1/cos²θ क्या हो जाएगा sec²θ, हम लोग ये फॉर्मूला भी देखे हुए 1/cos²θ इक्वल्स टू sec²θ, तो RHS भी हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, आप सिर्फ हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और यहाँ जो बनाया हुआ है बस उसे देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 10^4θ प्लस 10²θ इक्वल्स टू sec^4θ माइनस sec²θ। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास जैसे हम LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या होता है 10^4θ प्लस 10²θ, ठीक है। तो यहाँ है तो हम लोग ये 10 को sec में चेंज करने के लिए 10²θ का फॉर्मूला यूज करेंगे तो शायद हो जाएगा, तो 1+10²θ क्या होता है sec²θ। तो हम लोग 1+10²θ कहाँ से लाएंगे, तो हम लोग देखेंगे 10²θ यहाँ दोनों से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 10²θ प्लस 1, तो हुआ 10²θ हम लोग कॉमन ले लिए थे 10²θ प्लस 1, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है sec²θ। ये फॉर्मूला भी हमने दे दिया है 1+10²θ इक्वल्स टू sec²θ, ये फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ भी 10²θ है तो इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे 1+10²θ इक्वल्स टू sec²θ। अब यहाँ 10²θ है, 10²θ का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 10²θ, ये केवल बच जाए इसके लिए हम क्या करेंगे sec²θ, और ये 1 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस sec²θ माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा 10²θ का। तो ये हम लोगों ने लिख दिया है sec²θ माइनस 1, और यहाँ sec²θ इसी को उतारें, अब इसको हम लोग अंदर से इंटू कर देंगे sec²θ को sec²θ से करेंगे तो sec^4θ माइनस 1 से करेंगे sec²θ को तो sec²θ, ये हो गया हमारा RHS। तो हो गया हमारा प्रूफ, बहुत ही आसानी से हम लोग कर लिए हैं। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1+sec²θ/sec²θ इक्वल्स टू sin²θ/1 cos²θ। अब sec²θ है तो हम लोग सोचेंगे sec²θ है तो cos में इसको चेंज करेंगे तभी ये हमारा cos के फॉर्म में आएगा RHS। तो LHS क्या हुआ 1+sec²θ/sec²θ, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे cos के फॉर्म में, तो 1 प्लस हम लोग फॉर्मूला जानते हैं sec²θ इक्वल्स टू 1/cos²θ, ये हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं sec²θ इक्वल्स टू 1/cos²θ, ये हम लोग पास फॉर्मूला होगा। तो 1+1/cos²θ बाय अब sec²θ इसका फिर लिखेंगे तो 1/cos²θ, अब इसका LCM ले लेंगे तो cos²θ बाय, अब इससे इसको इंटू करेंगे यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया, तो 1 को 1 से cos θ प्लस 1/cos²θ, अब यहाँ इसी को उतार लेंगे वो तो दोनों के नीचे cos θ है तो ये कट जाएगा cos θ प्लस 1/1 ये बचा, तो ये 1 तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, डिवाइड में है तो ऊपर रहता तो हमारा कोई मतलब का होता लेकिन नीचे इसलिए कोई मतलब नहीं है, cos θ प्लस 1 ये आया। तो ये तो हमारा RHS के फॉर्म में नहीं आया, ये हम लोग और इसके आगे कुछ बना भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग RHS को भी देखेंगे प्रूव करके कि वो कितना आता है। RHS को हम लोग देखेंगे तो sin²θ/1 cos²θ
तो हम लोग आगे करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 - cos² θ। इसका भी फॉर्मूला हम लोग इसके राइट साइड में लिख देंगे, जैसे 1 - cos²θ = sin²θ। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हम लोग बता देंगे हैं, बाय 1 - cos θ। अब a² - b² का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 - cos²θ क्या होता है, sin²θ। ये इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया, तो a² - b², इसका स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। तो हम लोग ये कर लिए, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a - b। तो यहाँ हम लोग लिख दिए 1 + cos θ, 1 - cos θ डिवाइडेड बाय 1 - cos θ, ये है, यहाँ हम लोग लिख दिए। अब a + b, a - b किए हैं तो 1 - cos θ ऊपर भी है, 1 - cos θ नीचे भी है, तो हम लोग ये दोनों को कटिंग कर दिए। अब बचा क्या हमारे पास, 1 + cos θ बच गया, तो इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, cos θ + 1। अब हम देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा आया है cos θ + 1, राइट हैंड साइड भी आया है cos θ + 1, मतलब हम लोग का दोनों इक्वल हो गया, तो ये हम प्रूव कर लिए। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। अब हम पांचवे क्वेश्चन से जानेंगे, जब भी हमारा ये रूट में रहेगा, ये जब भी रहेगा हमारा, तो हम इसको हटाएंगे तभी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो हम लोग का LHS है √1 - cos θ / 1 + cos θ = cosec θ - cot। तो LHS हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, √1 - cos θ / 1 + cos θ। अब हम इसको, मैंने बताया पहले ही आपको, जब भी रूट में क्वेश्चन रहेगा उसको हम रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तभी हम रूट को हटा सकते हैं। तो बाय रेशनलाइजेशन मेथड, ये भी लिखना आपको 100% ज़रूरी है, हम हमेशा लिखेंगे ये चीज़। अब रेशनलाइजेशन के, तो √1 - cos θ / 1 + cos θ, मतलब रेशनलाइजेशन जब भी करेंगे 1 - cos θ / 1 - cos θ, ये हटा देंगे तब वो क्वेश्चन ही बन जाएगा, है ना। तो रेशनलाइजेशन ऐसे होता है, तो हमारा आगे प्रोसीड करेंगे इसे हम, 1 - cos θ / 1 - cos θ / 1 - cos θ, मतलब स्क्वायर हो जाएगा उसका, तो स्क्वायर हो गया, a + b, a - b के फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो a² में क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है, cos θ, मतलब cos²θ। फिर हम इसे अलग अलग लिख लेंगे, 1 - cos θ² रूट में लिखें, डिवाइडेड बाय 1 - cos²θ, क्या होता है फॉर्मूला, sin²θ। तो जब स्क्वायर रहेगा, इसमें स्क्वायर है, ये रूट है, तो ये दोनों कट जाएगा, इसमें भी ये दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या, 1 - cos θ डिवाइड में बचा sin θ। अब बचा क्या, ये 1 - cos θ / sin θ है, तो 1 के नीचे sin θ, फिर cos के नीचे भी sin θ, 1 - sin θ - cos θ / sin θ। अब 1 - sin θ का फॉर्मूला क्या होता है, cosec θ - cos θ / sin θ, उसका फॉर्मूला होता है cot θ। तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ बगल में लिख लेंगे, जैसे 1 - sin θ = cosec θ, और cos θ / sin θ = cot θ। ये फॉर्मूला भी हम लोग साइड में लिख लेंगे, तो ये RHS हमारा हो गया प्रूफ, cosec θ - cot θ प्रूफ हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारे पास है √1 - sin θ / 1 - sin θ = sec θ + tan θ। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेंगे √1 - sin θ / 1 - sin θ, ये भी रूट में है, तो रूट को हटाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय रेशनलाइजेशन मेथड। अब हम लोग इसको लिखेंगे 1 + sin θ / 1 - sin θ, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 + sin θ, फिर उसका डिवाइड में भी 1 + sin θ। अब ये 1 + sin θ है, 1 + sin θ है, तो उसको हम स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर हो गया, बाय a - b, a + b का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह हम क्या है वन, वन का स्क्वायर माइनस बी की जगह हम क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग कर लेंगे हम लोग, वन प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, उसको रूट में अलग से लिखें। वन माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये स्क्वायर इससे कटा रूट से, ये स्क्वायर इस रूट से कटा, बचा क्या वन प्लस साइन थीटा डिवाइड में बचा कोस थीटा। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे, वन बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब हम लोग इसे भी जानते हैं वन बाय कोस थीटा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वन बाय कोस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा और साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या है वन बाय कोस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा है ना, और साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा, ये हो गया हमारा आरएचएस। आरएचएस हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यह हम लोग देखेंगे हमारा आ चुका है सेक थीटा प्लस टेन थीटा आरएचएस में, ये हो गया हमारा प्रूफ। हम लोगों ने 6 क्वेश्चन देखे, सारे प्रूफ कर चुके हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसके लिए आप लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।